राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल समस्या समाधान पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक ये चार राशियां होती हैं सबसे ताकतवर, बच के रहना चाहिए इनसे। दोस्तों, मैं आपको आज ज्योतिष अनुसार कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आप इसके लिए मेरी वीडियो को पूरा देखिए और जानिए ऐसी कौन सी राशियाँ हैं जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होती हैं, कहीं उसमें आपकी राशि तो नहीं छुपी। दोस्तों, ज्योतिष की भाषा में कहा जाए तो आपका जीवन आपकी राशि के अनुसार चलता है। ग्रह नक्षत्रों का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है यह आपकी राशि स्वतः ही दर्शा देती है। और साथ ही दोस्तों, यह भी सच है कि भले ही आधुनिक युग में जीने की वजह से हम ज्योतिष विद्या से दूरी बनाकर रखते हों, लेकिन सच यही है कि जो समस्याएं ज्योतिष द्वारा हल की जा सकती हैं उन्हें अन्य किसी माध्यम से सुलझाना बहुत ही मुश्किल और यकीन मानिए कई बार पूर्णतः असंभव ही हो जाता है। दोस्तों, कोई व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, वह दिखता कैसा है, क्या वह वाकई ऐसा है जैसा वह दिखता है, इन सभी सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो के जरिए बता सकते हैं। जीवन की गुप्त बातों का खुलासा भी आपकी कुंडली करती है। लेकिन दोस्तों, इन सबके इतर ज्योतिष की एक और खास बात है, इसके अनुसार आप व्यक्ति को उसकी राशि अनुसार भी जज कर सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हर राशि के भीतर एक खास खूबी होती है और जिस व्यक्ति की राशि जो होती है वह खूबी स्वतः ही उसके भीतर प्रवेश कर जाती है। आज हम आपको आपकी राशि की एक महत्वपूर्ण खूबी बताने जा रहे हैं। ज्योतिष के अंतर्गत जितनी भी राशियां हैं, यूं तो वे सभी अपने अपने तरीके से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन उनमें से चार राशियां ऐसी हैं जो वाकई बहुत ताकतवर होती हैं। वे इतनी डोमिनेट राशियां हैं कि सामने वाले को उनसे दबना ही पड़ता है। दोस्तों, आपको बताने से पहले मैं आपको एक खास बात बता दूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करिए, जिससे कि दोस्तों आगे आने वाली और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सकें, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आ जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातक समर्पित और ईमानदार होते हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके भीतर द्रोही स्वभाव भी प्रमुखता के साथ होता है। जो लोग डिजर्व करते हैं उनके साथ ये ईमानदारी बरतते हैं, लेकिन जो लोग खुद धोखेबाज होते हैं उन्हें इनकी ओर से हमेशा सावधान रहना चाहिए। ये लोग बहुत ज़्यादा भावुक होते हैं, इस वजह से कभी कभी इन्हें सहन कर पाना मुश्किल है। वृश्चिक राशि के लोगों के भीतर भविष्य को भांप लेने की क्षमता होती है जो आप सोच भी नहीं सकते। ये लोग उनके हर परिणाम तक पहुँच जाते हैं, इसलिए इनसे बचकर रहना ही फायदेमंद है। अगली राशि की बात करेंगे हम दोस्तों, मेष राशि। मेष राशि का जो अन्य सभी से सबसे ज़्यादा ऊर्जावान मानी जाती है। ये लोग हमेशा सक्रिय रहते हैं, रुकना इनके स्वभाव में ही नहीं है। अगर कोई इन्हें बोर करता है तो यह बस उन्हें इग्नोर करना शुरू करते हैं। ये लोग किसी पर भरोसा नहीं करते, बात को हमेशा अपने हाथ में रखते हैं। इनके निर्णय इनके अपने होते हैं, ये किसी से प्रभावित होकर अपने जीवन की दिशा नहीं तय करते। अब बात करेंगे दोस्तों हम कुंभ राशि। कुंभ राशि की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कभी भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं लेते। अगर ज़रूरत पड़े तो ये अपनी भावनाओं और अपने संवेदनाओं को दरकिनार करके भी आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, कुंभ राशि के लोग बहुत दिलचस्प और जिज्ञासु होते हैं, ये बुद्धिमान भी माने जाते हैं। इनके भीतर जिद के साथ साथ गजब की आत्मविश्वास भी होता है। दोस्तों, अब बात करेंगे हम मकर राशि। ये सबसे उत्कृष्ट राशि मानी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके भीतर आत्मनियंत्रण की भावना बहुत प्रबल होती है। इनके अंदर दूसरी राशि के लोगों से ज़्यादा बेहतर तरीके से सोचने और समझने की क्षमता होती है। ये लोग हमेशा सक्रिय रहते हैं, इनके स्वभाव में ठहरना नहीं है, यही वजह है इनकी
कि ये लोग बहुत ही जल्दी अपने उद्देश्यों को पाने में सफल हो जाते हैं। इन सब की वजह से इनका आत्मविश्वास भी बहुत बड़ा हुआ होता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। साथ ही दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली और भी महत्वपूर्ण सूचना आप तक पहुंच सके। हम आपके लिए फिर लाएंगे कोई अच्छी सी वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे।